आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 2 जून 2023 का। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको यह वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वह सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, वहां 9 राष्ट्रीय उद्यान है कुल। मध्य प्रदेश जो है वहां कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान है और महाराष्ट्र जो है यहाँ कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह अंडमान और निकोबार और मध्य प्रदेश, यह दोनों में टोटल 9-9 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है अभी वर्तमान में, जो कि यह कवर करता है 1.35% जो एरिया है भारत का, इसको यह कवर करता है कुल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह। अगला है, भारत यूरोपीय संघ ने किस स्थान पर कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय में। भारत यूरोपीय संघ का कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृत विद्वान जिनका नाम था वेद कुमारी घई, इनका निधन हो गया है, उन्होंने भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार जीता है, उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पद्मश्री। पद्मश्री इनको मिला था और यह जो पद्मश्री है वह भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है, या नागरिक का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यह चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि वेद कुमारी घई को मिला था। अगर हम लोग और पुरस्कार की बात करें तो वेद कुमारी घई को मिला है वह साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में मिला है, उनकी पुस्तक के लिए द संस्कृत लैंग्वेज के लिए। यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार इसे माना जाता है और इन्हें पद्मश्री मिला था 2001 में। यह भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इनका जन्म हुआ था 1931 में जम्मू और कश्मीर में। इसके पहले जो सबसे पहला जो पुरस्कार है वह भारत रत्न है, भारत रत्न। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है सर्वोच्च सम्मान में पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने CIT IIIS 2.0 कार्यक्रम को नया करने, एकीकृत करने और बनाए रखने के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट्स 2.0 विकसित किया है? तो सही उत्तर है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा एक नया कार्यक्रम को शुरू किया गया है जिसका नाम है सिटी इन्वेस्टमेंट्स 2.0। तो सही उत्तर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सही उत्तर है यह वर्ष 2018 में शुरू की गई थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। इसे सितंबर 2018 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही उत्तर है भारत जो देश है उसके द्वारा सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। अगला है, किस राज्य सरकार ने नमो क्षेत्रकारी महासम्मान योजना शुरू की है? तो सही उत्तर इसका है महाराष्ट्र सरकार जो है वह हाल ही में एक नया योजना को शुरू किया है जिसका नाम है नमो क्षेत्रकारी महासम्मान योजना। यह योजना का नाम है नमो क्षेत्रकारी महासम्मान योजना और यह मुख्य रूप से यह किसानों के लिए यह योजना को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के किसानों के लिए। तो सही उत्तर यह हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। अगला है, ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक किस स्थान पर शुरू हुई है? तो सही उत्तर है इसका केप टाउन, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, वहां ब्रिक्स का विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका। अगला है, किसे यूको बैंक के MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अश्विनी कुमार को यूको बैंक के MD के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इनका अश्विनी कुमार। अगला क्वेश्चन है, किसे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय यादव को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के
एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है अजय यादव को, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अजय यादव। अगला है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर है 1 जून को हर साल विश्व दुग्ध दिवस के रूप में यह मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जून को। और विश्व दुग्ध दिवस जो है वह सब सर्वप्रथम मनाया गया था वर्ष 2001 में, और वर्ष 2003 का जो विषय है विश्व दुग्ध दिवस का यह है, यह दिखाना है कि डेयरी अपने पर्यावरणीय पद चिन्ह को कैसे कम कर रही है जबकि पौष्टिक खाद्य पदार्थ और आजीविका भी प्रदान कर रही है, यह इसका विषय है विश्व दुग्ध दिवस का। अगर हम लोग बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जो है वह रोम इटली में है, और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और इसके महानिदेशक वर्तमान में अभी है क्यू डोंगयू जो है वह खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक है अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है, तो सही उत्तर इसका है 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस को मनाया जाता है 1 जून को, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 जून। और वर्ष 2012 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वह 1 जून को माता पिता के वैश्विक दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया, ताकि दुनिया भर में माता पिता के सम्मान में यह एक दिन को मनाया जा सके, इसलिए वर्ष 1 जून को इसे चुना गया है। सर्वप्रथम मनाया गया था वर्ष 2012 में। तो यह कुछ करंट अफेयर्स का न्यूज था 2 जून 2023 का। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।